हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अनिल बिश्नोई है। मैं एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है वो ऑर्थोपेडिक्स में की है मैंने। मैं रोहतक पीजीआई से पास आउट हूँ और अब मैं एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट सद्भावना हॉस्पिटल फतेहाबाद में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे न्यूरो का है, कार्डियो है, ऑर्थोपेडिक्स है। उसके अंदर मैं फिजियोथेरेपी की भूमिका अदा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, जिसके अंदर समय समय पर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो भूमिका होती है वो हर एक डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट है तो उसमें COPD वगैरह के जो केसेज आते हैं, उसमें चेस्ट क्लियरेंस के लिए जो चेस्ट टेक्निक्स होती है वो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, जिससे कि पेशेंट की सीक्रेशंस रिमूव हो सके और पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी आ सके। और ऑर्थोपेडिक के अंदर भी फिजियोथेरेपी की एक अच्छी खासी भूमिका रहती है और आजकल लोगों में फिजियोथेरेपी को लेके काफ़ी अवेयरनेस भी है। तो जैसे कि सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की पेशेंट को मोस्टली ज़रूरत पड़ती है। जैसे TKR होने के बाद में भी पेशेंट की रेगुलर फिजियोथेरेपी चलती है, ताकि उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है, पेशेंट की जो स्वेलिंग है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के देखरेख में चलती रहे और पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी आ सके। न्यूरो के जो केसेस हैं उसमें भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की एक अच्छी खासी भूमिका रहती है। जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, उनके अंदर भी एक फिजियोथेरेपिस्ट, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट अपनी भूमिका अदा करता है।